बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि मेस की आपको एक नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको उन सवालों के जवाब देने वाला हूं जो आप लोगों ने देखे हैं थंबनेल्स के ऊपर। जी, तैयार भी आप लोगों ने करनी है और ये बेस्ट एमसीक्यूज हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं और इन्हीं एमसीक्यूज को देखते हुए आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिफ्ट की और टाइम को समझने की। मेस वालों ने तीन शिफ्टें लगाई हुई हैं, शिफ्ट 1, 2 एंड 3। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा शिफ्ट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके पहले लिखा हुआ है 1100। तो इसका मतलब यह है कि दूसरी शिफ्ट 11 बजे शुरू होगी। इस तरह से पहली शिफ्ट 8 बजे शुरू होती है और तीसरी शिफ्ट 2 बजे शुरू होती है। इसके बाद अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों ने लेकर जाने होंगे आपके पास CNSE, जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है उस ओरिजिनल, और उसके बाद आपने इसी लेटर की आपने कॉपी लेकर जानी है जो कि जैसे कि मैं आपके आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ आपने एक पेन लेकर जाना है, पॉइंट हो या ब्लैक बाल पॉइंटर हो या पेन हो, लेकिन वो ब्लैक इंक में होना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई बाल पॉइंट या पेन लेकर नहीं जाना। दूसरा इशू जो बच्चे फेस कर रहे हैं कि उनकी पिक्चर के ऊपर रावलपिंडी GHQ के बारे में कोई एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, तो बच्चों आप लोगों ने वहाँ नहीं जाना, आपका एड्रेस यहीं पर पहले पॉइंट में, ये जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए थे आपके कॉल लेटर पर, उसके पहले पॉइंट में उन्होंने आपको एड्रेस बताया हुआ है कि आपने फलां आपका एड्रेस ये है। वो उनके एक ऑफिशियल एड्रेस है जो उन्होंने वहाँ पर आपकी पिक्चर के ऊपर मैंशन किया हुआ, तो आपने वहाँ पर नहीं जाना ना उसको फॉलो करना है। अब हम बात कर लें रिटन टेस्ट की तैयारी की, तो रिटन टेस्ट की तैयारी की अगर हम बात करें तो एक वेबसाइट पर मैंने मटेरियल अपलोड किया है और कुछ पास पेपर्स मैंने यूट्यूब पर भी दिए हुए हैं। आपने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना है और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे ईमेल आ जाएगा, आपने ईमेल पुट करनी है अपनी और सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं जो भी पेपर अपलोड करूँ, जॉब अपलोड करूँ, आप तक पहुँच जाए खुद ब खुद नोटिफिकेशन के ज़रिए, जैसे कि आपको वीडियोस पहुंच जाती हैं। उसके बाद ये लिंक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप कॉपी करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पास पेपर्स देखने के लिए मेस के। ये जो पास पेपर्स हैं ये सारी जॉब्स के लिए हैं, ख़ास तौर पर UDC, LDC और असिस्टेंट की जॉब्स के लिए और सब इंजीनियर के लिए की MCQs रिपीट होते हैं। इसमें क्या है, आपको ऑप्शन सही ढूंढने में, देखिए हर जो ऑप्शन सही होगा उसके आगे मैंने ANS यानी कि आंसर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने क्या किया हुआ है, जो नए MCQs शुरू होते हैं नई बुक के नई चीज़ के, उसको मैंने ब्लू कलर में येलो कलर में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आए जनरल नॉलेज के MCQs। तो इस तरह से आपने अपने MCQs की तैयारी भी यहाँ से कर लेनी है। हम बात कर लेते हैं कि जो पे स्केल हैं BPS 1 से लेकर 4 वालों को, उनको कब बुलाया जाएगा। देखिए अभी इनका प्रोसेस शुरू हुआ है, जैसे इनके रिटन टेस्ट शुरू हो जाएंगे, इनके रिटन टेस्ट आधे हो जाने के बाद या फिर इनका पूरा प्रोसेस रिटन टेस्ट के बाद आपकी बारी आएगी और आपको बुलाया जाएगा, और आप लोगों के शायद रिटन टेस्ट भी ना हो, डायरेक्ट आपको जो है ना इंटरव्यू के बाद जो है ना आपको जॉब के लिए बुला लिया जाए। तो ये आपको आज की वीडियो में अपडेट देनी थी, और मज़ीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपको पता है आपने क्या करना है, चैनल पर इस रेड बटन के रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब करना है, क्लिक करना है और बेल आइकन आ जाएगा, और बेल आइकन को फिर आपने प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। वीडियो देखने के बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।